बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, मैं आपकी कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल रावलपिंडी से। चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग इन सी का आज लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज। इसके बुक पेजेस हैं 57 to 51। इसे हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, इसके अलावा कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है, और हम MCQs को स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, जब हम कोई वेरिएबल का आपको मैं कॉन्सेप्ट दे चुकी हूं कि आप जब भी आपने कोई यूजर से वैल्यू लेनी हो तो आप उस वैल्यू को एक वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करते हैं, और वो वैल्यू फिर आपके पास क्या होती है, मेमोरी में एक प्रॉपर स्पेस में जो है वो जाकर सेव हो जाती है। और उसकी स्पेस आप कैसे डिसाइड करते हो, डेटा टाइप से। डेटा टाइप कौन कौन सी है, इंट है, फ्लोट है, 4। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी वेरिएबल को एज अ इंटीजर डिक्लेयर कर देते हो तो होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी जो डेटा टाइप है वो इंट रहती है। तो उस वेरिएबल में आप फॉर एग्जाम्पल इंट आपने डेटा टाइप डिक्लेयर की भी है तो आपके पास क्या होगा कि उसमें आप फ्लोट पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट ए किया हुआ है और उसकी वैल्यू आपने 5 ले ली है तो ये आपके पास ठीक है। अगर आप इंट ए आप डिक्लेयर करते हो और ए की वैल्यू आप 5.2 ले लेते हो तो वो सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे डेटा टाइप का, वो वेरिएबल होल प्रोग्राम में आपके पास उसी डेटा टाइप से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन टाइप कास्ट में आपके पास ये बेनिफिट है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो एज अ इंट तो उससे आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 2 नंबर्स लेते हो 2, 5, और आप एज अ इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उनकी डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट करके उनकी जो वैल्यूज हैं उनको डेसिमल पॉइंट्स में आप जो है वो ऐड कर सकते हो, उनका रिजल्ट जो है वो चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास टाइप कास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें वेरिएबल की डेटा टाइप को एक ही प्रोग्राम में आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने एज अ वेरिएबल इंट डिक्लेयर किया हुआ तो उसकी डेटा टाइप आप एज अ 4 भी कर सकते हो, एज अ फ्लोट भी कर सकते हो। तो आपके पास बेसिकली टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि एक वेरिएबल जो है वो एक्ट करता है एज अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब बेसिकली आप ये देख लें कि आपके पास ये प्रोग्राम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने सबसे पहले हेडर फाइल मेंशन की, उसके बाद आपने जो वो मेन की बॉडी में आ गए, यहां से आपने एक इन टाइप का एक्स डिक्लेयर किया है। अब इसमें क्या है, आप एक्स की वैल्यू आपने क्या लिया, आपने क्या किया, एक लूप लगाया है। लूप बेसिकली आपको क्या होता है, कोई आपने स्टेटमेंट बार बार आपने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवानी हो तो आप लूप यूज करते हैं। लूप का आगे हम डिटेल मजीद पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास प्रोग्राम, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हर इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल अपना मैं नेम अगर मैं 10 टाइम प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट 10 टाइम्स लगानी पड़ेगी, और अगर इसी तरह अगर मैं अपना नेम 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मुझे अपनी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट 100 टाइम्स दिखाना पड़ेगी। तो क्या होगा कि प्रोग्राम मेरा एक तो लेंथी भी हो जाएगा और उसके बाद अगर मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि लूप्स यूज करते हैं। लूप्स में क्या होता है कि अगर मैं अपना नाम 100 टाइम प्रिंट कराना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 टाइम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करूंगी, मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एक बार ही लिख दूंगी, उसके ऊपर मैं लूप का फंक्शन लगा दूंगी, और लूप से क्या होगा वो मेरी स्टेटमेंट अगर मैं 100 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ या 1000 टाइम कराना चाहती हूँ वो स्टेटमेंट मेरी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन विदाउट लूप कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होती। तो आपके पास यहाँ पे क्या, आपके पास सबसे पहले आपने एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया इंट टाइप का, यानी कि आप इसमें नंबर्स ले सकते हो, होल नंबर्स ले सकते हो। उसके बाद आपने एक लूप लगाया, लूप क्या है, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने एक्स को वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी। तो आपके पास क्या होगा कि मैम जैसे ही आपके पास एक्स वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो मेमोरी में जो है वो एक्स वेरिएबल एक बनेगा और उस एक्स के अंदर जाकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। उसके बाद हमारे पास कंडीशन गिवन है, कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू कहां तक जाएगी, 127 तक, यानी कि 0 से लेकर 127 तक ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी और प्रोग्राम की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद ये हमारे पास एक्स प्लस प्लस, इसका कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आपके पास 0 है तो 0 में क्या होगा, आपके पास यहां पर आएंगे 0, फर्स्ट टाइम आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है,
कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 127, कंडीशन ट्रू है, हम इसमें स्टेटमेंट पे आएंगे, हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम हम जब यहां पर आएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, x प्लस प्लस का मतलब है कि 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो यहां पर हमारे पास मेमोरी में x की वैल्यू पड़ी हुई थी 0, तो नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 27, कंडीशन ट्रू है, अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देन अगेन ऊपर आएंगे, x की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, x की वैल्यू अब मेमोरी में क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और उसके बाद 2 का फिर कंडीशन होगी। ये स्टेटमेंट बार बार जो है वो कंडीशन वगैरह और ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास मेमोरी में जैसे ही 128 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम यहाँ से प्रोग्राम की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये तो आपको थोड़ा सा मैंने लूप का कॉन्सेप्ट समझाया। अब हम टू द पॉइंट इस टॉपिक पे आते हैं, टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या, आपके पास सबसे पहले आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया इन टाइप का, ठीक है। अब इसकी डेटा टाइप इंट है, यानी कि एक्स के अंदर आप वैल्यू सिर्फ स्टोर कर सकते हो, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टोर कर सकते हो, इसके अलावा पॉइंट वाली वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके पास एरर जनरेट होगा, सिंटैक्स एरर। तो आपके पास यहाँ पे पास इंट आपने एक्स बनाया, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में क्या किया है स्लैश एन, आपके पास डबल कोट में जो स्टेटमेंट होती है वाइज एग्जीक्यूट होती है, स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। जैसे आप स्लैश एन लगाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आपके पास कर्सर आपका मूव हो जाएगा, और वहां पर ये पर्सन डी लिखा हुआ है। पर्सन डी का मतलब कि आपके पास कि जब आप इंटीजर वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए परसेंट डी यूज करते हैं, और आप चाह रहे हो कि आप जीरो का जब वो आस्की वैल्यू आप अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा परसेंट डी में आपके पास क्या डिस्प्ले होगा, एक्स की वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू परसेंट सी। तो आपके पास 0 के आगे जो भी करेक्टर होगा वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 के इक्वलेंट करेक्टर ए है, तो आपके पास यहाँ पे ए डिस्प्ले हो जाएगा, एक्स एक्स आपके पास फिर क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आपके पास फॉर एग्जाम्पल बी के इक्वल है, और इसी तरह आपके पास फिर 2 की वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो आपके पास आस्की वैल्यूज क्या होती है, कि आपको मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है जस्ट मशीन लैंग्वेज को। तो हमारे पास क्या होता है कि हम नंबर्स डेसिमल नंबर्स को करेक्टर्स को सबको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज में, तो ए बी सी की बैक पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स बकायदा इनके जो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास रखे गए हैं कि ए के इक्वलेंट जब वो 56 है, तो फिर 56 डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल को फिर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, बाइनरी मतलब 0-1 में, देन उसको कंप्यूटर प्रॉब्लम उसको जो भी उसके साथ प्रॉब्लम उसने जिससे मेथड में सॉल्व करनी प्लस करना है माइनस करना जो भी करके उसके बाद वो उसको वापस जो है वो कन्वर्ट करता है बाइनरी से डेसिमल से, उस डेसिमल से वापस हमारे पास कन्वर्ट होता है करेक्टर में। तो हर नंबर के पीछे हमारे पास क्या है कि हर अल्फाबेट के पीछे हमारे पास बैकग्राउंड में एक ना एक नंबर असाइंड है जिनको आस्की वैल्यूज कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हर नंबर की आस्की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। परसेंट डी यूज होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, और परसेंट सी यूज होता है अल्फाबेट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जब हम इसको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है 0 इक्वल्स टू ए डिस्प्ले हो रहा है, 1 इक्वल्स टू बी डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमारे पास डेटा टाइप तो हमने ऐसा इंट डिक्लेयर की है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि इंट डेटा टाइप के बावजूद एक्स की वैल्यू हमारे पास दो तरह से जो है वो डिस्प्ले हो रही है, एज अ इंटीजर भी डिस्प्ले हो रही है और एज अ करेक्टर भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, बेसिकली टाइप कास्टिंग की जो दो टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो हमने सिंपल टाइप कास्टिंग का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो एक ही प्रोग्राम में एज अ जो है वो 2-3 टाइम्स आप उनको चेंज कर सकते हो। तो आपके पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, एक्सप्लिसिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट में आपके पास ये होता है कि आप जो प्रोग्राम जब आप उसको लिखते हो तो वो कंपाइलर जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज कर देता है, यानी कि प्रोग्रामर को जरूरत नहीं होती बताने की कि तुम इस टाइम इसकी वेरिएबल की डेटा टाइप ये कर रख लो, इस टाइम इस वेरिएबल की डेटा टाइप ये रख लो। ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंपाइलर जो है वो उसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज कर देता है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसकी एग्जाम्पल क्या है एक्सप्लिसिट की, कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल एक एक्सप्रेशन उसमें वेरिएबल उसकी डेटा टाइप इंटीजर हमने ले लिया है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि जो भी डेटा टाइप जिस डेटा टाइप जो है वो उसकी बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंट की डेटा टाइप की स्पेस कितनी है 2 है, फ्लोट की 4 है, और अगर एक प्रोग्राम में एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यूज डेटा टाइप एज अ इंटीजर भी है और एज अ डबल डेटा टाइप है तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एज अ डबल डेटा टाइप में, क्योंकि आपके पास इंटीजर में 2 बाइट्स होती हैं और आपके पास डबल डेटा टाइप में आपके पास जो इसकी हो जाती है आपके पास
8 हो जाती है, तो आपके पास क्योंकि आप जब वेरिएबल जो है वो एज अ मेंशन करोगे, इंटीजर करोगे और एज अ डबल डेटा टाइप करोगे, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो आपके पास डबल डेटा टाइप में डिस्प्ले कर देगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर को बताने की कि तुम मुझे रिजल्ट एज अ इंटीजर दो या एज अ डबल डेटा टाइप दो। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो रिजल्ट है वो जो बड़ी डेटा टाइप होती है उसमें जो है वो डिस्प्ले कर देता है। आप भी एग्जांपल देखो, आपके पास कंपाइलर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, दो नंबर्स हैं, फ्लोट नंबर्स हैं, इनके सम को कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। आपके पास ये देखिए, हमने पास सबसे पहले हेडर फाइल ऐड कर दी, उसके बाद हमने मेन की बॉडी में हमने फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया वैल्यू 1 के नाम से, इसकी वैल्यू हमने 2.5 हमने रख ली है। तो हमारे पास क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे मेन की बॉडी में आएंगे, हमारे पास मेमोरी में के नाम से और वैल्यू 2 के नाम से, तो हमारे पास क्या होगा, मेमोरी में हमारे पास दो वेरिएबल्स बन जाएंगे और इनके अंदर ये वैल्यू सेव हो जाएंगे। और दोनों के डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, यानी कि इनमें आप डेसिमल वैल्यू आप सेव कर सकते हो। डेसिमल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप ये में सेव रख सकते हो। आप इनमें फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल्स में आप जो है वो होल नंबर्स नहीं रख सकते, यानी कि आप वैल्यू मन में 1, 2, 3 नहीं आप सेव कर सकते, डेटा टाइप फ्लोट है। अब आपने एक और वेरिएबल बनाया इंट रिजल्ट। अब मेमोरी में बेसिकली 3 वेरिएबल्स बन गए हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, रिजल्ट। अब आपके पास क्या हो रहा है कि रिजल्ट equals to value 1 plus value 2, 2.5 plus 2.5.3 इन दोनों को add करके result आ जाएगा। आपके पास जो भी इनका सम होगा वो आपके पास रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। अब रिजल्ट की डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है 5, 6, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो जब क्योंकि रिजल्ट की डेटा टाइप आपके पास इंट है, तो जो पॉइंट वाली वैल्यू है, इस पॉइंट से आगे वाली वैल्यू है वो राउंड ऑफ होकर फिक्स वैल्यू में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7 आ रहा, तो हमारे पास राउंड ऑफ होकर उसमें पॉइंट में जो भी आंसर है तो वो राउंड ऑफ होकर 8 हो जाएगी। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास होल नंबर 8 आ जाएगा। तो फिर क्या हो रहा है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटीजर डेटा टाइप से आप जो वेरिएबल बनाते हो तो उसके लिए आप जब रिजल्ट डिस्प्ले कराते हो तो परसेंट डी यूज करते हो, और अगर आपने फ्लोट टाइप डिस्प्ले कराना तो उसके लिए यहाँ पे परसेंट एफ यूज करते हो। इसी तरह आपने कोई करेक्टर्स आपने अल्फाबेट्स डिस्प्ले कराना तो उसके लिए परसेंट सी यूज करते हैं। तो आपके पास क्या होगा, आपने दो वेरिएबल जो आपने फ्लोट टाइप बनाए थे उनका जब सम किया, रिजल्ट भी फ्लोट में आ रहा था, लेकिन आपने जो रिजल्ट जिसमें वेरिएबल में स्टोर किया वो रिजल्ट वेरिएबल जो वो एज अ इंटीजर था, इसलिए वो राउंड ऑफ होकर वैल्यू जो है वो आपके पास उसमें आ गई, इंट में आ गई। और उसके बाद आपने जब रिजल्ट डिस्प्ले कराया, आपके पास वेरिएबल का नाम आ गया और यहां पे आपने जब ये वैल्यू डिस्प्ले करवाई तो वो आपके पास क्या हो गई, परसेंट डी में आ गई। इसके बाद हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की अगर बात करें, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि कंपाइलर खुद से डिसाइड नहीं करता कि किस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप रखनी है, बल्कि हमें प्रोग्रामर जब प्रोग्राम क्रिएट करता है तो वो बताता है कि इसकी डेटा टाइप आपने क्या रखनी है, एज आपने इंटीजर रखनी है, फ्लोट रखनी है, क्या रखनी है। और इसमें बकायदा प्रोग्रामर जो होता है वो पैरेंथेसिस में, सेंटेंस से गिवन है, पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करता है एक्सप्रेशन से पहले कि आप इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने इस डेटा टाइप में हमें डिस्प्ले कराना है। जबकि इंप्लिसिट में क्या होता है, आपके पास जो जिसकी डेटा टाइप की स्पेस बड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिसाइड कर लेता है और उसमें डिस्प्ले करवा देता है रिजल्ट। जबकि एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर अपनी मर्जी से जो डेटा टाइप को बताता है कि मुझे इस डेटा टाइप में जो मुझे अपना रिजल्ट चाहिए, और वो स्पेसिफाई कर देता है डेटा टाइप को एज एक्सप्रेशन से पहले। अब अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास प्रोग्रामर क्या कर रहा है, दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और जो दो नंबर्स हैं वो इंट नंबर्स हैं, उनको डिवाइड करके रिजल्ट जो वो डिस्प्ले करवा रहा है फ्लोट में डिस्प्ले करा रहा है। इसी तरह आपके पास स्टार्ट में हेडर फाइल आपके पास ऐड कर दी, उसके बाद हम मेन की बॉडी में हमने दो वेरिएबल्स वैसे ही बनाए जैसे हमने पहले क्रिएट किए थे, दो वेरिएबल्स बनाए वैल्यू 1, वैल्यू 2 के नाम से, और इनकी डेटा टाइप इंट है, तो हमारे पास होल नंबर्स आ जाएंगे। वैल्यू 1 मेमोरी में हमारे पास बनेगा, उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा 30। इसी तरह वैल्यू 2 वेरिएबल बनेगा और उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा 7। और हमने एक और वेरिएबल बनाया जो कि हमने एज अ फ्लोट बना दिया है। अब इसमें देखिए, इसमें और प्रीवियस कोड में ये डिफरेंस है कि यहां पर हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोट मेंशन नहीं करूंगी तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, कि रिजल्ट की डेटा टाइप क्या डिसाइड करनी है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2, एक्सप्रेशन से पहले मैंने डेटा टाइप प्रोग्रामर ने जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो फ्लोट में चाहिए। तो यहाँ पे जब उसने फ्लोट मेंशन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट होकर आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फ्लोट डेटा टाइप है तो आपके पास देखिए परसेंट एफ यूज हो रहा है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में डिफरेंस एक बार मैं फिर क्लियर कर रही हूँ कि इम्प्लिसिट में क्या होता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा टाइप जो है वो चूज करके उसमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है, जबकि एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि प्रोग्रामर बताता है, खुद से बताता है कि मुझे इस डेटा टाइप में अपना रिजल्ट चाहिए।
इसके बाद मैं कॉस्ट क्वालिफायर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दी। कॉस्ट क्वालिफायर पहले आपको मैं थोड़ा सा डिफाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि डिफाइन आपके पास जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि आपके पास प्रोग्राम के टॉप पे आपके पास मेंशन होता है, और उसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू आप जो है वो आप जो वहां पे एट अ टाइम आप प्रोग्राम कोडिंग आप जो लिखते हो वो होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो कॉस्ट का भी सेम फंक्शन है कि कॉस्ट क्वालिफायर बेसिकली यूज होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्पेसिफिक रखने के लिए। आप देखें डेटा टाइप से स्टार्ट में, डेटा टाइप हमारे पास इंट है, स्टार्ट में हम कॉस्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि कॉस्ट जो वेरिएबल बना है इसकी वैल्यू हमने जो स्टार्ट में 5 मेंशन की है होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। इसी तरह हमने फ्लोट हमने पीआई बनाया है तो इसको हमने स्टार्ट में कॉस्ट का जब हमने क्वालिफायर यूज किया तो क्या होगा पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में 3.pi की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 रहेगी, ये वैल्यू चेंज होगी। तो कॉस्ट क्वालिफायर बेसिकली यूज होते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को होल प्रोग्रामिंग में एक ही स्पेसिफिक रखने के लिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यू हमारे पास क्या है, व्हाट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। तो आपके पास जो वो प्रोग्रामिंग में जो वैलिड स्टेटमेंट्स होती हैं उनके रूल्स को क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। अगर आप सिंटैक्स में मिस्टेक करते हो तो आपके पास एरर जनरेट होता है। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर डायरेक्टली कौन से लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ आपके पास मशीन लैंग्वेज है यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 01। When was C language developed? C language कब डेवलप हुई थी, अर्लीस्ट 1970 में। Who developed Java language? Java language किसने डेवलप की थी, Sun Microsystems ने। What is the other word used for reserved? Reserved words वो होते हैं जो कि प्रोग्राम में आप जो है वो जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इंट फ्लोट 4, तो इनको आप जो है वो ड्यूरिंग जो है वो प्रोग्राम में उनको आप जब आप कोडिंग करते हो तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड का दूसरा नाम क्या है, कीवर्ड्स है। हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, इंट की डेटा टाइप जो होती है उसकी स्पेस मेमोरी में कितनी होती है, 2 बाइट्स होती है। हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, फ्लोट की स्पेस मेमोरी में कितनी होती है, 4 होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल फ्लोट, डबल फ्लोट की आपके पास रेंज क्या है, -32768 से लेकर +32767, यानी कि आपके पास मेमोरी में ये कितनी स्पेस रिजर्व करते हैं। उसके बाद क्या है, विच प्रोग्राम ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम को यूज किया जाता है, कंपाइलर यूज किया जाता है। विच सॉफ्टवेयर इज हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, तो एरर्स को हमारे पास कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है, और उनको रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगर कहा जाता है। तो आपने ये सारे टॉपिक्स याद करने हैं और इसके अलावा आपने ये एमसीक्यूज वगैरह जो अपने बुक में आपने लिखने हैं।